झज्जर पुलिस के हाथ लगी एक बड़ी कामयाबी। पुलिस ने राज्य स्तरीय गिरोह का पर्दाफाश किया। झज्जर नारकोटिक शाखा ने दो महिलाओं सहित गिरोह के 8 लोगों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की, जिनके कब्जे से 1 क्विंटल 5 किलो गांजा बरामद किया गया है। हैरानी की बात यह है कि इसमें एक माँ बेटी भी शामिल थी। माँ बेटी बिहार की रहने वाली है। इससे पहले भी ये माँ बेटी अन्य 2 नशा तस्करी में शामिल रह चुकी है। झज्जर से संजीत खन्ना की रिपोर्ट। सर, क्या मामला है? कल शाम को हमारा एंटी नारकोटिक स्टाफ झज्जर को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि उड़ीसा से 2 गाड़ियों में नशीला पदार्थ लेके कुछ लोग केएमपी से होते हुए रोहतक जाएंगे। इस रिगार्डिंग उन्होंने बादली के पास केएमपी के ऊपर नाका लगाया। नाका लगाने के बाद उन्होंने 2 गाड़ियों को राउंड अप किया, एक स्कॉर्पियो और दूसरी I-20 गाड़ी थी। दोनों गाड़ियों की तलाशी लेने पर उनको टोटल 105 किलो 500 ग्राम जो गांजा पत्ती थी उसमें से बरामद हुई। कुल गिरफ्तार किए गए 8 आदमियों में से 2 महिलाएं थीं। दोनों महिलाएं आपस में माँ और बेटी थीं। इनको जो एक्यूज्ड एक शील्ड की तरह, ढाल की तरह इस्तेमाल करते थे, जिससे पुलिस को या किसी को उनके ऊपर शक ना हो। जो 6 पुरुष हमने गिरफ्तार किए हैं उनमें से 3 लोग, एक मंजीत है वासी गिरावट लाखन माजरा, दूसरा रवि वासी खानपुर गुहाना और तीसरा कुलदीप गिरावट लाखन माजरा, ये तीनों रोहतक और सोनीपत सेशन कोर्ट से उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। मंजीत इनमें से एक बर्खास्त पुलिस कर्मचारी है जो कि 2002 में बतौर सिपाही हरियाणा पुलिस में भर्ती हुआ था और मुकदमे में उम्र कैद की सजा होने के बाद 2015 में उसको नौकरी से बर्खास्त कर दी। अभी हमने जिनको 8 लोगों को अरेस्ट किया है, इनमें से कुछ का हम पुलिस का रिमांड लेंगे और जहां से ये लोग इसमें जो सप्लाई लेके आए थे और जहां इन्होंने आगे इसकी डिलीवरी करनी थी उन सबको भी हम अरेस्ट करेंगे। मार्केट रेट क्या है सर इसका? इसमें गिरोह के अंदर 4 लोग जो हैं रोहतक और सोनीपत के हैं, 2 जो इनके ड्राइवर थे, 2 में से 1 ड्राइवर बिहार का रहने वाला है, दूसरा जो सरबजीत नाम का ड्राइवर है वो रामगढ़ अलवर का रहने वाला है। जो दोनों महिलाएं हैं वो मूल रूप से बिहार की वासी हैं लेकिन पिछले करीब 20-22 साल से इंदिरा कॉलोनी रोहतक में रह रही हैं। क्या कीमत है सर पहले भी है सर कोई मुकदमा? क्या जो महिलाएं हैं, 2 महिलाओं के ऊपर पहला मुकदमा है ये, और ये जो है जो इंटरोगेशन में अभी तक सामने आया है, तीसरी बार ये महिलाएं साथ गई थी और हर बार की इन दोनों को एक अलग अलग राशि दी जाती थी। नशीले पदार्थ की कीमत क्या है सर? इन्होंने जो बताया वहाँ से ये कुल इससे करीब 3 लाख रुपए में खरीद के लेके आए थे और आगे बाजार में इसका अलग अलग जगह इन्होंने सौदा किया हुआ था, वो अभी हम इन्वेस्टिगेशन के बाद बता पाएंगे। मोनू लखीसराय बिहार का रहने वाला है, 6 महीने से वो ये काम कर रहा था और चौथा चक्कर ये बता रहा है कि इसका चौथा चक्कर वहाँ से था। दूसरा इनका एक ड्राइवर है सरबजीत जो कि रामगढ़ अलवर का रहने वाला है, ये भी करीब पिछले 3-4 महीने से ये काम कर रहा था। जो 3 जो अदर एक्यूज्ड हैं राकेश कुलदीप और मंजीत, इनमें से राकेश और कुलदीप दिसंबर 2021 में हाईकोर्ट से बेल मिलने के बाद जेल से बाहर आए थे और मंजीत जो है अभी करीब 40 दिन पहले हाईकोर्ट से बेल मिलने के बाद बाहर आया था। एक ही मामले में या जो मर्डर का मामला है उसके अंदर कुलदीप और मंजीत जो हैं वो एक ही मुकदमे के अंदर को एक्यूज्ड हैं, जिनका कि लाखन माजरा रोहतक के अंदर FIR रजिस्टर हुई थी। राकेश जो गुहाना का रहने वाला है ये एक दूसरे मामले में आरोपी है।